हेलो दोस्तों, मैं हूं देवांश। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FNO की। FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। आप में से काफ़ी सारे लोग फ्यूचर या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या मेजर डिफरेंसेज होते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होगी, तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो है सीधे हम बढ़ेंगे मुद्दे पे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना है आपको, तो आपको ज़्यादा पैसे की नीड पड़ेगी। वहीं अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वो आपका कम कैपिटल से भी हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे की नीड होगी। कितने ज़्यादा पैसे की नीड होगी वीडियो देखते रहिए, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अभी दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट ये है कि फ्यूचर्स की जो एक्सपायरी होती है वो मंथली बेसिस पे होती है, एंड ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली बेसिस पे होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तो होती ही है। तो फ्यूचर्स जो है मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, एंड ऑप्शंस जो है वीक के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। ठीक है, मतलब 4-5 बार आपको कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने पड़ेंगे अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि जो फ्यूचर्स में है वो डीके नहीं होता है, एंड ऑप्शंस में डीके होता है। इसके लिए मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ एंड समझाता हूँ कि डीके का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ ये जो है ये मार्केट यहाँ पे सुबह ओपन हुई, एंड आपने 33,200 पे जो है एक अपना पोजीशन बाई किया ऑप्शन में। ठीक है, 5,000 रुपये का आपने खरीदा 33,200 का। ठीक है, कॉल खरीद लिया आपने 5,000 रुपये का, एंड सुबह 9:20 पे ख़रीदा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया। ठीक है, फिर मार्केट शाम में आके वहीं क्लोज़ हुई, मतलब 33,200 पे मार्केट यहाँ पे शाम में आके क्लोज़ हुई है। यहाँ पे आपने 5,000 का खरीदा होगा, लेकिन शाम तक उसकी वैल्यू घट के 4,000 हो जाएगी। ये जो है ये थेटा डीके की वजह से होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम ईटिंग। ऑप्शंस में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि प्रीमियम गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सुबह 5,000 का खरीदा होगा, लेकिन मार्केट ऊपर गई फिर वहीं वापस आ गई, तो उसकी वैल्यू घट के 4,000 हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर आपने फ्यूचर्स बाई किया होता 5,000 का, एंड मार्केट ऊपर जाती एंड फिर वहीं वापस आ जाती, तो फ्यूचर में कोई भी डीके नहीं होता है, उसकी वैल्यू आपकी 5,000 रुपये ही रहती। तो ये जो है एक सबसे बड़ा जो है डिफरेंस होता है फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। अभी जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्यूचर में जो आपको रिटर्न्स हैं वो कैलकुलेटेड मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में बहुत ही हाई रिटर्न्स मिलते हैं। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो आपने एक फ्यूचर खरीदा 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि अगर आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है एक लॉट, तो आपको 1.5 लाख रुपए वहाँ पे लगने वाले हैं। तो आपने 1.5 लाख का खरीदा, एंड अगले दिन मार्केट बहुत तगड़ा मूव दे दे और 1,000 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, 1,000 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 1,000 पॉइंट का मिलेगा, मतलब 25 लॉट में। तो मतलब 25,000 रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा। आपने 1.5 लाख लगाया एंड वहाँ पे 25,000 रुपये का रिटर्न मिला, मतलब 17.5% का आपको रिटर्न मिला। ठीक है, वहीं आपने उसी पैसे का अगर ऑप्शन खरीदा होता तो आपको वहाँ पे 1,000% का रिटर्न मिलता। 1,000%, 2,500%, 2,000% ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो है आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क भी रहता है। लेकिन वहीं फ्यूचर में जो है प्रॉफिट कैलकुलेटेड मिलता है और रिस्क भी जो है वो कैलकुलेटेड रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1,000 पॉइंट अगर मार्केट नीचे खुलेगी, तो वहाँ पे जो आपने 1.5 लाख लगाया उस पर 25% का 17.5% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 25,000 होगा। वहीं ऑप्शन जो है वो 1,000% 1,500% का रिटर्न दे सकता है सिंगल दिन में। मतलब 1,00,000 रुपये का अगर आपने ऑप्शन बाई किया होगा, तो वो नेक्स्ट डे जब मार्केट 1,000 पॉइंट गैप डाउन खुलेगी, तो वहाँ पे 1,00,000 रुपये वो आपका 15,00,000 रुपये बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कोप होता है। ठीक है, अभी जो है हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि जो फ्यूचर्स होते हैं वो महंगे मिलते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। कितना महंगा मिलता है और कितना सस्ता मिलता है, तो इसके लिए हम ज़िरोधा ऐप जो है उसे ओपन कर लेंगे, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर बाई करना है और एक ऑप्शन बाई करना है, तो मुझे कितना पैसा लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जनवरी फ्यूचर्स अगर मुझे बाई करना है, ठीक है, तो 25 क्वांटिटी मिनिमम होती है। बैंक निफ्टी में एक लॉट होते हैं जिसमें 25 क्वांटिटी होती है, तो 1,30,000 रुपये मुझे सिर्फ 25 क्वांटिटी खरीदने के लिए लगेंगे। ठीक है, ये फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इसको अगर आप सेल भी करेंगे तभी भी 1,31,000 रुपये लगने वाले हैं सिर्फ 25 क्वांटिटी के लिए। एंड जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, अगर मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी कर दूंगा तो मार्जिन रिक्वायर्ड जो 2,62,000 हो जाएगी। एंड इसे अगर मैं थोड़ा हैच करूँगा तो ये थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। और तो ये तो हो गई बात फ्यूचर्स की। अब सेम स्ट्राइक प्राइस का, जैसे अभी जो है
बैंक निफ्टी जो है 33,239 पे ट्रेड कर रहा है, तो हम इन द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे, ठीक है। इन द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे 33,200 का, 33,200 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम अगर बाई करते हैं, तो इसके लिए हमें जो मार्जिन रिक्वायर्ड होगी वो सिर्फ 6,000 होगी, ठीक है। कहाँ फ्यूचर्स के लिए आपको 1,30,000 देना पड़ा था 25 क्वांटिटी के लिए, एंड ऑप्शन में आपका सिर्फ वही काम 6,000 रुपये में हो जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा सस्ता है। लेकिन भाई अगर ये सस्ता है तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट फ्यूचर से ज़्यादा हैं और रिटर्न भी यहाँ पे ऑप्शन में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन 6,000 रुपये में आप 25 क्वांटिटी खरीद सकते हो, एंड अगर आप 50 क्वांटिटी करोगे तो ये 12,000 रुपये में आप खरीद सकते हो। वहाँ पे 50 क्वांटिटी के लिए 2,60,000 रुपये देने पड़ रहे थे, तो इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। इसी तरीके से हर चीज़ के जो फ्यूचर्स होते हैं एंड ऑप्शन होते हैं उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैश जो है, कैश सबसे कॉस्टली आता है, मतलब कि अगर बैंक निफ्टी का अगर मैं कैश खरीदने जाऊँगा, कैश में मतलब 33,000 का एक क्वांटिटी खरीदूंगा, जिस हिसाब से मुझे और महंगा मिलेगा। तो सबसे महंगा कैश की प्राइस होती है, फिर फ्यूचर्स की, फिर ऑप्शन की। तो ये जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचे तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना है, ठीक है, तो वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं, हाई मार्जिन लगने वाली है, लेकिन वहाँ पर रिस्क की इन्वॉल्वमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग से कम रहेगी। और वहीं आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको हाई रिस्क रहेगा फ्यूचर्स के कंपैरिजन में, एंड कैपिटल कम रिक्वायरमेंट होगी और रिटर्न हाई मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, और मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर और ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।